बांस का तंदूरी चिकन। ये कहानी कुछ साल पहले के एक गांव की है, जहां की सड़कों पर खुशबूदार मिट्टी और छायादार पेड़ पौधों की घनी चादर बिछी रहती थी। यहां के लोग हर किसी को जानते थे। गांव का राजा, राजपुरोहित, गरीब, अमीर, सभी एक ही स्थान पर जाकर स्वयं भोजन करते थे। यहाँ सबसे लोकप्रिय चीज थी जो हर कोई चाहता था, बांस तंदूरी चिकन। बांस तंदूरी चिकन बेचने वाले का नाम सुंदरलाल था। सुंदरलाल गांव का सबसे अच्छा खाना पकाने वाला था। उनके अद्वितीय खाना पकाने के कौशल का कोई सानी नहीं था। वह सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि दाल चावल, रोटी सब्जी और कई अन्य व्यंजन भी बना सकते थे। सुंदरलाल की तंदूरी चिकन की चाहत को गांव वाले भूल नहीं पाए। वो बांस के तन में एक विशेष मसाला डालकर चिकन तैयार करते थे और उसे जलती हुई आग पर पकाते थे। इससे उनके चिकन का एक अनोखा स्वाद और स्टाइल मिला जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुंदरलाल का तंदूर बांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था, जिसका उपयोग वह बहुत सावधानी से करते थे। वह चिकन को बांस के तन की आग पर सुनहरे भूरे रंग पे पकाते थे, जिससे वो बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसदार और स्वादिष्ट हो जाता था। सुंदरलाल की दुकान गांव में हर किसी की पसंदीदा जगह थी और वह अपने ग्राहकों के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करता था। वह अकेले या दोस्तों के साथ तंदूरी चिकन का स्वाद लेते थे और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान ला देते थे। गांव के लोग तो सुंदरलाल के तंदूरी चिकन के दीवाने थे। उनके दुकान में रोजाना भारी भीड़ जमा होती थी और वह कभी भी खत्म ही नहीं होने वाले खाना बनाते थे। जब भी सुंदरलाल बांस का चिकन बनाता था, तब उनके तंदूर से आने वाली सुगंध पूरे गांव में फैलती थी, तो बस लोग इसे जान जाते थे कि बांस तंदूरी चिकन का समय आ गया है। सुंदरलाल अपने ग्राहकों को और अधिक खुश करने के लिए कुछ एक नए विचार लेकर आए। वह चाहते थे कि उनका चिकन सबसे बड़े प्लेट में परोसा जाए, ताकि कई लोग एक ही साथ उसे खा सके। इसके लिए उन्होंने एक विशाल थाली का आविष्कार किया। ये विशाल थाली मेगा थाली कहलाई। ये थाली में चिकन के साथ साथ दाल चावल, नान और सब्जियां भी थी, और वो भी सब अद्वितीय स्वाद में थी। वो ग्रामीणों को चुनौती देता है, जो लोग इस मेगा थाली को एक घंटे के भीतर पूरा खा सकते हैं, वो मुफ्त में खा सकते हैं। ये चुनौती गांव के लोगों के लिए एक नई भावना जागृत करने वाली थी। जैसे जैसे मेगा थाली की बात फैली, लोग इसकी ओर आकर्षित हो गए। वो चुनौती स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे। सुंदरलाल की दुकान पर एक खड़ा हुआ करता था और वह हर दिन लोगों के लिए मेगा थाली बनाकर उन्हें खिलाता था। इससे गांव के लोगों न सिर्फ केवल स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, बल्कि साथ मिलकर भोजन करने का आनंद भी प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनके सहचर्य और मिलनसार जीवन में एक नया आयाम आया। दरअसल सुंदरलाल ने अपनी दुकान के जरिए गांव को एक नया और अनूठे तरीके से एकजुट होने का मौका दिया। उन्होंने न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाने का जादू चलाया, बल्कि सभी को एक साथ बैठकर खाना भी खिलाया। ग्रामीणों के लिए सुंदरलाल की दुकान का भोजन न केवल अनूठे स्वाद का स्रोत था, बल्कि एक साथ आने का अवसर भी था, जिससे उनकी भाईचारा और गांव की एकता और भी मजबूत हुई। सुंदरलाल ने सिखाया कि एक छोटी सी दुकान भी बड़ा बदलाव ला सकती है, साथ आने का मौका दे सकती है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को एक साथ आने का महत्व और एक साथ भोजन करने का आनंद लेने का महत्व सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी छोटी से कार्य से भी हम अनूठे और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। सुंदरलाल ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें सकारात्मक और सफल दिशा में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक छोटी सी दुकान भी बड़ा पहचान बना सकती है और साझेदारी की ओर में मजबूत बना सकती है। हीरापुर नामक एक सुंदर गांव था। उसी गांव में संतोष नामक एक आदमी
विशेष तरह का चिकन मंडी बिरयानी बनाकर उसी गांव में बेचता था। एक दिन वो चिकन मंडी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। चिकन मंडी बिरयानी, विशेष चिकन मंडी बिरयानी, आइए बाबू आइए, ऐसा चिकन मंडी बिरयानी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी से आइए और खाइए। एक चिकन मंडी बिरयानी का सिर्फ 250 रुपए, जल्दी आइए बाबू जल्दी आइए। उसके ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बेचने के कारण आते जाते लोग उसी के मंडी के दुकान जाकर वहाँ बिरयानी को खरीद कर खाते थे। अरे संतोष, तुम्हारे तरह ये विशेष बिरयानी और कोई नहीं बना सकता। कितना ताजा और कितना स्वादिष्ट है ये बिरयानी, सच में तुमने कमाल कर दिया। ये तो मुझे पता है कि मेरे तरह इस विशेष चिकन मंडी बिरयानी को यहाँ और कोई नहीं बना सकता। ये कहके वो उसके दुकान आए हुए मेहमान को बिरयानी देते हुए रहता है। ऐसे ही इसके स्वादिष्ट बिरयानी बनाने के कारण उसके ही नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव वाले भी संतोष के मंडी दुकान आके ही बिरयानी खाते थे। इसी कारण उसका दुकान बहुत कम समय में बहुत ही प्रमुख जगह बन जाता है और ऐसे ही उसे बहुत पैसे भी मिलते थे। अब इतने पैसे उसके आंखों के सामने देखकर संतोष समझ गया था कि उसके जैसे बिरयानी आसपास में कोई नहीं बना पाएगा और इसी कारण उसे घमंड भी आ जाता है। इसीलिए वो आए हुए मेहमानों से घमंड होके बात करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर संतोष का बेटा वसंत उसके पास आता है। पिताजी, मुझे डिग्री में बहुत अच्छी संख्या मिली है, मैं चाहता हूँ कि ऊंची पढ़ाई करके पुलिस बनूं। अरे मेरा बेटा तो बड़ा बन गया है, अब इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये अगर मेरे ही साथ काम करेगा, यहाँ व्यापार संभालेगा तो हम और पैसे कमा पाएंगे। वैसे भी मैं अकेले कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मदद में एक हाथ तो चाहिए ही, और तो और मैं अपने बेटे को काम सिखाकर उसे अपने पास ही रख सकता हूँ ताकि वो मुझे काम में भी मदद करे और इस व्यापार को संभालने में भी। वसंत, तुम्हें पुलिस बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें पढ़ाऊं, इसीलिए यही बेहतर है कि तुम मेरे साथ व्यापार में साथ दो और यहाँ दुकान में मुझे मदद भी चाहिए, और तो और ऐसे हमारे व्यापार को संभाल के मेरे साथ मदद करते हुए काम करोगे तो पुलिस की नौकरी की वेतन से बहुत ज्यादा कमा पाओगे। और कब समझोगे बेटा, मेरे साथ काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ और खुश रहो। अब चुपचाप कल से यहाँ शुरू हो जाओ, ठीक है? क्या मैं अपना पढ़ाई रोककर पापा के साथ मंडी की बिरयानी बना के उसे बेचूं? हाँ, अब अगर पापा की बात नहीं सुनूंगा तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, तो अब करना ही पड़ेगा और उनका बात सुनना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वो निराश होकर अपने घर चले जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पापा के साथ सुबह दुकान में उनकी मदद करूँगा और शाम को घर लौटते ही अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। पैसे मैं पापा को पता चले बिना माँ से ले लूंगा, ऐसे तो पापा भी खुश रहेंगे और मैं भी। ऐसे ही उसके बाद उसके फैसले के मुताबिक ही वसंत दिन में अपने पापा के साथ और उनकी मदद करते हुए रहता था और रात में उसकी माँ की सहायता से पुस्तकों को खरीद कर पुलिस बनने की तैयारी करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी परीक्षा का वक्त आता है। परीक्षा के दिन सुबह वो उसके पिता के साथ दुकान नहीं जाता है बल्कि वो अपना परीक्षा खत्म करके वहाँ से दुकान चले जाता है और हर रोज की तरह उसके पिता की मदद करने लगता है। लेकिन रात भर की पढ़ाई के कारण उसे बहुत नींद आने लगती है और वो दुकान में काम करने के बजाय गहरी नींद आने के कारण टेबल पे सो जाता है। टेबल पे सो जाना वसंत के पिता संतोष देखते हैं और गुस्से में उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, वसंत वसंत, सुबह सुबह तुम्हें नींद क्यों आ रही है, तुम रात भर सोए नहीं? जी पापा, वो मुझे नींद आ गई अचानक तो मैं सो गया, माफ कीजिए, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। वसंत, तुम ऐसे ही करोगे तो अमीर छोड़ो नालायक बन जाओगे, और इतना ही नहीं, ये दुकान ही हमें वो पैसा देगा जिसके सपने हम देख रहे हैं,
ऐसे ही सोते रहोगे तो सपना सच कब करोगे? ऐसे गुस्से में उसको डांट कर संतोष वहां से चले जाता है। वसंत की परीक्षा खत्म हो जाने के कारण वो अगले दिन से हर रोज की तरह उसके पिता के दुकान जाकर सारे काम वैसे के वैसे ही करने लगता है और उसके परीक्षा के परिणाम का इंतजार भी करता है। कुछ दिन बाद उसके परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं। उसमें वसंत के अच्छे मार्क्स आने के कारण उसे जल्द ही पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कहने के बावजूद तुमने पढ़ाई करके पुलिस की नौकरी के लिए कोशिश किया है। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि उससे ज्यादा पैसे हमारे इस व्यापार में आएंगे। चलो छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब से तुम्हारे बिना भी यही व्यापार अच्छा चलेगा और अकेले ही मैं इसे खूब चला सकता हूँ। तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब से तुम्हारा घर में रहना या ना रहना तुम्हारी मर्जी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना है, तुम्हें जो करना है करो। ऐसे गुस्से में वसंत पे क्रोधित होकर संतोष वहां से चले जाता है। काश पापा समझ पाते कि पुलिस की नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है और यही मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है और मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। अब नहीं समझ पा रहे हैं, आशा करता हूँ कि पापा कभी ना कभी मेरी इस बात को, इस सपने को समझ पाएंगे। पर अगर अब मैं इनके लिए ये नौकरी छोड़ दूंगा तो आगे कभी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे देर नहीं करना होगा, अभी मुझे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाना होगा। उसके फैसले के मुताबिक ही कुछ ही महीनों में वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। ट्रेनिंग खत्म करते ही उसके अपने गांव के पड़ोस गांव में उसको इंस्पेक्टर का नौकरी मिलता है। जब वो अपने पिता के पास ये खुशखबरी देने जाता है तो वो उनसे बात तक नहीं करते हैं और उनका मुंह मोड़ के वहां से चले जाते हैं। वसंत उसकी नौकरी बहुत इज्जत और जिम्मेदारी से निभाता है और इसी कारण उस सारे गांव में और पड़ोसी गांव में भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। और यहां संतोष उसके दुकान में कोई भी नौकर नहीं लगाता है, अकेले ही सारे काम करते रहता है और ये सब उसी गांव में रहने वाले दो आदमी दूर से देखते रहते हैं। संतोष को सारा दुकान और व्यापार अकेले संभालते हुए देख वो दोनों आदमी एक दिन जब संतोष उसके दुकान पे नहीं था उस मौका देखकर उस दुकान को कब्जा कर लेते हैं। दुकान को लौटने के बाद जब संतोष देखता है कि उसके दुकान में दो नए लोग काम कर रहे थे, वो चौंक जाता है और उनसे जाकर पूछता है, आप इसी गांव के लोग हो ना? क्या आपको पता नहीं है कि ये मेरा दुकान है? आप यहाँ बिरयानी क्यों बना रहे हो? हाँ, ये हमारा दुकान है, तुम हमारे दुकान आकर हमसे ही पूछ रहे हो? तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? ऐसे हमारे दुकान को तुम्हारा दुकान कहोगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले। उन आदमियों का ऐसे कहने के कारण संतोष चौंक जाता है और उसके पड़ोसी दुकान वाले के पास जाता है। भैया, आपको तो पता है कि ये मेरा दुकान है, तो ये लोग आ रहे थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे वाह, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम बहुत घमंड थे, अब जब तुम्हें हमारी जरूरत आ गई तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें? चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है और उसी दुख में संतोष उसके घर चले जाता है और हर दिन यही सोचता है कि इस मुसीबत से वो बाहर कैसे आए। और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद संतोष को उसके पड़ोस गांव के दोस्त की याद आती है और उसके पास जाकर वो जो कुछ भी हुआ समझाता है। तब उसका दोस्त, अरे संतोष, इस बात के लिए इतना दुख? तुम चिंता मत करो, हमारे गांव का पुलिस अधिकारी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, सबकी मदद करते हैं। जब हमारे गांववासी का बाइक खो गया था तब भी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी बहुत मदद की थी और उस आदमी को उनका बाइक भी लौटा दिया। वो इतने अच्छे आदमी है, मुझे जरूर यकीन है कि वो तुम्हारा भी मदद करेंगे। चलो बिना कोई देरी के उनके पास चले जाते हैं। ये कहकर संतोष का दोस्त उसको उस पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा दोस्त संतोष, और जो कुछ भी हुआ वो इंस्पेक्टर को बताता है। जब संतोष इंस्पेक्टर से मिलने जाता है वहां अपने बेटे को देख संतोष चौंक जाता है और बिना कुछ बात किए
वो वहाँ से चलने लग जाता है। पापा रुकिए, हमारे दुकान पे किसी ने कब्जा कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हम हमारी दुकान को वापस पाएंगे, चलिए। अरे संतोष, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं, तुमने तो ये बात बताई भी नहीं। अरे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा है ये, काम करके ही वापस आएगा, चलो हम भी उसके साथ जाते हैं। और ऐसे वो तीनों संतोष के दुकान के पास जाते हैं। वहाँ दो और लोगों को काम करते हुए देख, हम सालों से इस दुकान में काम कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यहाँ कब्जा करके बिरयानी बना के बेच रहे हो, हमारी दुकान हमें वापस कर दो वरना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि ये आपका दुकान है, हमने इसका कब्जा कर दिया और उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, आप आपकी दुकान को वापस ले लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे साहब। आइंदा अगर ऐसे ही किसी का दुकान या कुछ भी कब्जा किया तो देखना क्या होगा। जी साहब, माफ कीजिए। उसके बाद वसंत उसके पिता संतोष को और संतोष के दोस्त दोनों को उसके घर ले जाता है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी थी, पर फिर भी तुमने मेरे खिलाफ कोई भी गुस्सा नहीं रखा है, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने ही हमारे दुकान को उन लोगों के कब्जे से आजाद किया। अगर तुम पुलिस की नौकरी नहीं करते या पुलिस की पढ़ाई नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता, हम दोनों शायद उसी दुकान में काम करते हुए किसी और के कब्जे के कारण रो पड़ते थे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते, पर आज तुम्हारी इस पढ़ाई के कारण ही मैं इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, कोई भी नौकरी करते हुए ज्यादा पैसे कमाकर घमंडी रहना सही नहीं है, तुम्हारी तरह अच्छी पढ़ाई करके मेहनत करके काम करते हुए सारे गांव वालों का इज्जत कमाना सच्चा काम है और यही नेक और ईमानदार काम है, ये मैं समझ नहीं पाया बेटा, और इसके लिए मुझे माफ कर दो। पापा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है, चलो ये सब भूलकर हम पहले की तरह खुश रहेंगे। तब से संतोष घमंडी व्यवहार छोड़कर सभी के साथ अच्छे से बात करते हुए मेहनत से काम करते हुए उसके व्यापार को संभालते रहता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा वसंत पुलिस की नौकरी करते हुए सबकी सहायता करते हुए खुश रहता है। दोनों मिलकर उनके अपने अपने काम का इज्जत करते हैं और खुश रहते हैं। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे बूढ़े गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसके वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी के बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया, खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खाके उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है, इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे।
घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा, तो प्रेमजी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे पर प्रेमजी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेमजी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे, उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी आप इस तरफ। आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है, अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली, जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूँ, मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम एक महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब है ना, आप आराम से लंदन जाइए, वहाँ अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए, अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए, अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया, और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता, तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे, वो चुपके से उनके बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे, उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिपके सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं, प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूँ और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने, उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया, अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा, 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं, पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहां तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे, उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया।
पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो उठा और उस फूड स्टॉल के तरफ बढ़ गया। फिर वहाँ रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं। प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका, इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए, वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया, तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है, वो उसे कहां रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे के बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता।